So, IQOO is all set to launch its new mid-range IQOO G6 5G. तो ये लॉन्च हो रहा है 21 ऑफ मार्च को और इसमें कौन कौन से फीचर्स रहेंगे और मेनली ये कौन से प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा इसके बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के कुछ लीक्स जो रिसेंटली आए हैं। और ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा अमेजन के थ्रू, क्योंकि अमेजन के थ्रू IQOO का सभी स्मार्टफोन लॉन्च होता है और इसका जो एक माइक्रो वेबसाइट होता है ये भी अभी लाइव हो चुका है। तो ये स्मार्टफोन अमेजन के थ्रू ही लॉन्च होगा। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की बात करें तो रैम हो सकता है 6GB रैम, जो कि पेयर्ड होगा 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और एक और हायर वेरिएंट होगा जो कि पेयर्ड होगा 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज पे। और जो सेकेंड वेरियंट है आई थिंक उसका 128GB वेरियंट भी आएगा। और यह स्मार्टफोन होगा एंड्रॉयड 13 के ऊपर, और यहाँ पर कस्टम UI स्क्रीन भी देखने को मिलेगा जो कि IQOO की तरफ से हमें देखने को मिलता है। और डिस्प्ले में यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले कहा जा रहा है, यहाँ पर हो सकता है 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, क्योंकि ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है तो यहाँ पर हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। 90Hz भी काफी फास्ट रिफ्रेश रेट होता है और ये स्मार्टफोन एक बजट स्मार्टफोन है, और इसके बाद भी यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, मतलब कि डिस्प्ले में तो काफी जबरदस्त रहने ही वाला है। और इसके बाद डिजाइन की अगर बात करें तो बैक साइड हमें पॉलीकार्बोनेट बैक या फिर ग्लास देखने को मिल सकता है, और साइड में मेटल फ्रेम के साथ प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये स्मार्टफोन होगा। और देखने में तो ये स्मार्टफोन काफी हद तक क्वालिटी डिजाइन लग रहा है। और यहाँ पर फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन का डिस्प्ले रहेगा, जो कि काफी लोगों को अच्छा भी लगता है और यहाँ पर काफी लोगों को ये खराब भी लगता है, लेकिन प्राइसिंग की अगर हम देखें तो ये काफी सही डील हो सकता है। और इसमें एक और फीचर्स जबरदस्त होगा जो कि है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। प्राइस रेंज को अगर हम देखें, प्राइस रेंज के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये बजट स्मार्टफोन है तो यहाँ पर ये 25K के अंडर ही आएगा। और इसी प्राइस रेंज में अगर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है तो ये काफी सही बात है। चिपसेट में Dimensity 920 का चिपसेट रहेगा, और ये एक 5G चिपसेट है और ये लेटेस्ट चिपसेट भी है, और ये 5G के हिसाब से काफी ऑप्टिमाइज भी है और ये काफी सही स्पीड भी प्रोवाइड करता है। और कैमरा की अगर बात करें तो बैक साइड में यहाँ पर 12 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि होगा 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर और एक कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल, एक डेप्थ सेंसर ही माना जाएगा, माइक्रो लेंस वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रंट की साइड में 16 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर होगा। दोस्तों यहाँ पर कैमरा में काफी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और बेहतरीन फीचर्स है जो कि है OIS का सपोर्ट यहाँ पर रहेगा स्मार्टफोन में। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट रहेगा तो आपको स्टेबिलाइजेशन वगैरह इमेजेस कैप्चर करते वक्त या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त काफी सही देखने को मिल जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसी स्मार्टफोन में। और बैटरी की अगर बात करें तो कुछ लीक्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 5000mAh बैटरी पे होगा, और कुछ लीक्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 4500 बैटरी पे होगा। लेकिन अगर हम एक्चुअल प्राइस की अगर बात कंसिडर करें और फीचर्स में जो भी है इसकी कंसिडर करें तो ये 4500mAh बैटरी के साथ हो सकता है, और यहाँ पर 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और इसे आप लोग ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि ये बजट स्मार्टफोन है तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप 4500 ही रह सकता है। और यहाँ पर एक और कन्फ्यूजिंग फीचर्स है जो कि है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन तो होगा, लेकिन ये हाइब्रिड स्लॉट होगा, मतलब कि आप दो सिम एक बार में यूज कर सकते हो, और या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। तो ये काफी कंफ्यूजिंग फीचर्स हो जाता है किसी भी स्मार्टफोन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट, जो कि है प्राइसिंग। तो ये एक बजट स्मार्टफोन होगा IQOO की तरफ से, और एट द सेम टाइम यहाँ पर काफी बेहतरीन प्रोसेसर भी है और अदर फीचर्स भी है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लीक्स वगैरह हुए हैं उसे अगर देखें तो ये जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज पे, ये हो सकता है 17,000 के आसपास, और जो 8GB रैम वेरिएंट है वो हो सकता है 19,000 to 20,000 के आसपास। और यहाँ पर अमेजोन के थ्रू लॉन्च होगा तो यहाँ पर कार्ड्स के ऑफर्स वगैरह देखने को मिल सकता है, जो बेस वेरिएंट होगा वो 17,000 के नीचे ही आप परचेस कर सकते हो कार्ड्स ऑफर वगैरह अप्लाई करके। तो अगर ये 17,000 के अंडर आप परचेस कर पाओ देन ये एक बेहतरीन डील हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन भी सही है और ये स्मार्टफोन काफी स्पीड भी चलने वाला है, और इसके साथ ही एमोलेड डिस्प्ले भी है और 5G प्रोसेसर भी है। तो दोस्तों इसे आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, ये एक बेहतरीन डील हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन से प्राइस पर लॉन्च होता है, और ये 21 मार्च को ही लॉन्च हो जाएगा और ये अमेजन पे सेल होगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।